नमस्कार आप सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट बुथालोक में। मैं रवि तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी के लिए हम लोग जो बैच चला रहे हैं, उस बैच से संबंधित जानकारियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल आलोक सर ने जो वीडियो लिया था, उसमें आलोक सर ने बताया था कि कैसे मैं उन्हीं चीजों को पूरा करता हूं, कैसे कोई सवाल 3 सेकंड में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं उसी तरीके को आपको बताऊंगा कि जब आप एक लॉन्ग मेथड से पढ़ते हैं, 5 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बहुत जानकारी पूर्ण है, आप देखिएगा। मैं उस अंतर को स्पष्ट करता हूं। घड़ी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ओवरलैपिंग, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। उस टॉपिक को आप जब एसएससी सीजीएल में करते हैं तो एक सवाल को 1 मिनट में करते हैं। मैं आज आपको सिखाता हूं कि 3 सेकंड में कैसे बिना पेन उठाए वो सवाल हल किए जा सकते हैं, ओवरलैपिंग के सवाल। जैसे कि कल परसों के वीडियो में मैंने और कल के वीडियो में आलोक सर ने एक अंतर स्पष्ट किया था आपको कि इस परीक्षा का वास्तविक अंतर क्या है, कम समय में कैसे आप ज्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने बेस्ट से संबंधित पूरी जानकारियों को मैं वीडियो के बाद में दूंगा। ठीक है, पहले तो आपके काम की जानकारी को मैं आपको बता दूं। देखिए, घड़ी का सबसे कठिन टॉपिक आप कहते हैं कि अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होता है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ओवरलैपिंग 3 सेकंड में होती है और कैसे ओवरलैपिंग को हम लोग लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीकों के अंतर को बहुत जल्दी आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हम 0 डिग्री की ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री अतिव्यापन, ओवरलैपिंग अतिव्यापन। अब देखिए, 0 डिग्री को हम बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। पहले तो 0 डिग्री के कुछ नाम है, उनको स्पष्ट कर लीजिए, है ना। हम 0 डिग्री को कहते हैं दोनों सुइयों का एक साथ होना, दोनों सुइयों का एक साथ होना, क्लियर। दोनों सुइयों का संपाति सीधी रेखा में होना, दोनों सुइयों का संपाति सीधी रेखा में होना, क्लियर। इसका भी मतलब 0 ही डिग्री होता है, ठीक है। दोनों सुइयों का एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होना, दूरी पर होना, क्लियर। तो 0 डिग्री को इसके अलावा 3 नामों से और जानते हैं, क्या क्या। दोनों सुइयों का बिल्कुल एक साथ होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में संपाति होना और दोनों सुइयों का 0 मिनट की दूरी पर होना। पहले इसकी बेसिक जानकारी को ले लीजिए। 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 24 घंटे में यह कोण 22 बार बनता है। एक एक लाइन को याद रखिएगा, ये 22 बार का कोण एक एक सेकंड में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है और दिन में और मध्य रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में कोण नहीं बनता। तो 1 बार दिन में नहीं बनता और 1 बार रात में नहीं बनता। तो कितनी बार नहीं बनता, 2 बार नहीं बनता, क्योंकि 12 से 1 के बीच का समय कितनी बार आता है, 2 बार आता है, क्लियर। तो 1 बार दिन में नहीं बनेगा, 1 बार रात में नहीं बनेगा, तो कितनी बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना। तो 24 घंटे में कितनी बार बना, 22 बार। इस बात को हम अलग अलग तरीके से 3 प्रकार से बोल सकते हैं। 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में संपाती होती हैं, 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होती है, या 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री का कोण कब नहीं बनता, तो आप कहेंगे 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। अब हम ये देखते हैं, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो आपसे स्टेटमेंट्स में पूछी जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमें इसको हल करना हो तो हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, यहां पे 3 सेकंड का मेथड जो बिना पेन उठाए मैं आपको सिखाऊंगा, और यहां पे वो मेथड जो आप पढ़ रहे हैं अलग अलग जगह, है ना, अलग अलग जगह आप पढ़ रहे हैं वो मेथड। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 से 9 बजे के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा, तो आपने कहा सर 8 बजे के तो बाद ही बनेगा, 8 बज के x मिनट्स पर बनेगा, ये आवर्स की संख्या है और ये मिनट्स की संख्या है। आपने कहा 8 से 9 बजे का 0 डिग्री 8 बजे के तो बाद ही बनेगा, लेकिन मिनट्स की संख्या नहीं पता सर कब बनेगा, तो आपने कहा 8 बज के x मिनट पर बनेगा। आपका फॉर्मूला क्या है कोण का, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और बराबर कितने डिग्री चाहिए, 0 डिग्री, तो यहां पर आप 0 रखेंगे, क्लियर है। अभी आवर्स मिनट से आप इसी फॉर्मूले में इस मान को रखते हैं, तो आप कहते हैं 8 गुणे 30
प्लस मिनट्स का आधा x बाई टू माइनस सिक्स एक्स, क्योंकि मिनट्स की जगह x बराबर कितना जीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 240 प्लस x बाई टू, अभी माइनस इस तरफ जाएगा तो ये बराबर में 6x होगा, दो का मल्टीप्लाई कर आप इस तरफ ले जाएंगे इसका मल्टीप्लाई करके, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे दो का मल्टीप्लाई करके तो बताओ इसको क्या हो जाएगा ये यहां पर, तो आप कहेंगे 240 का दो में गुणा करेंगे तो कितना होगा 480 प्लस एक्स बराबर 12x, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, 480 प्लस एक्स बराबर क्या होगा बताओ 12x। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 480 बराबर 11x, तो यहां पे आप कहेंगे x बराबर 480 बटे 11, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44 कितना बचा बताओ यहां पे 4 बचा, फिर आप कहेंगे 4 बचा तो 40 हो गया, 43 सही, हाँ 11 33 43 सही 7/11, ये किसकी वैल्यू आई x की, तो आप कहेंगे 8 बजकर बताओ कितने मिनट पर, 43 सही 7/11 मिनट पर एक और बनेगा। आप देखते हैं 8:43 पर घड़ी की दोनों सुइयां लगभग एक साथ होती हैं और कोण कितने डिग्री का हो जाता है बताओ, 0 डिग्री का कोण हो जाता है, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक सीधी रेखा में संपाती होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इतना करने की जरूरत क्या है, जैसे एक आपकी याद रखिए ओवरलैपिंग की 60/11, मैं सारे सवाल आपको इसी से करा देता हूं, 60/11 एक की है, मैं आपको जब क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्लासेज में एक की कहां से आई। अब आपको जैसे 8 से 9 बजे के बीच का कोण निकालना है तो इसमें से छोटी संख्या बताओ कौन सी है 8, तो 60/11 × 8 बराबर 480/11, ये आंसर आपका 3 सेकंड में आ गया। किसी भी कोण को अगर आपको निकालना है, जैसे आपसे कहा जाए 5 से 6 बजे के बीच का कब बनेगा तो बताइए छोटी संख्या क्या है 5, तो आप कहेंगे 60/11 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 300/11, इसको सही बटे में बदल दीजिए। अब मैं आपसे कहूं 10 से 11 बजे के बीच का कब बनेगा तो आप क्या कहेंगे बताओ 60/11 × 10 बराबर क्या होगा 600/11। तो अब मैं आपसे कहता हूं जिन 2 घंटों के बीच का कोण पूछा गया हो आप छोटी संख्या का सीधे 60/11 में गुणा कर दीजिए, आपका 0 डिग्री का उत्तर आ जाएगा। अब ओरल हो जाएगा, मैं कहूं 2 से 3 तो छोटी संख्या क्या है 2, तो 60/11 × 2 बराबर 120/11। मैं कहूं 3 से 4 तो आप कहेंगे 60/11 × 3 बताओ छोटी संख्या 3 है 180/11। मैं कहूं 4 से 5 तो आप कहेंगे 60/11 × 4 240/11। इसी तरह किसी भी कोण को बिना पेन उठाए आप ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं। आज से आपकी 0 डिग्री की ओवरलैपिंग ओरल हो गई, आपको किसी भी पेन और कलम को उठाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपसे कोण पूछा जाए आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप जिस 2 घंटों के बीच का कोण पूछा जाए आप छोटे समय का गुणा कर दीजिए, 60/11 को याद रखिए। अभी 60/11 कैसे आया ये जब पूरी क्लासेज में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल 0 डिग्री का सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो ये थ्योरी का पोर्शन था यहां पर कि 0 डिग्री को हम इतने नामों से जानते हैं, और अब इसके सॉल्व करने का पोर्शन है। ये मेथड आप अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, 1 मिनट का मेथड है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। इस मेथड को अगर यूज करेंगे तो आप 2 सेकंड में थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट से आप अपने सवालों को, यही मेथड्स आपको रेलवे के लिए पढ़ने हैं जिसमें आपको कलम ना उठानी पड़े, और आप 20 मिनट में 35 प्रश्नों को हल कर लें। मैं क्लासेज में आपको यही सिखा रहा हूं, ये नहीं सिखा रहा हूं, ये तो किताबों में लिखा ही है, ये उन परीक्षाओं के लिए है जिनमें समय ज्यादा है ना, और प्रश्न लगभग बराबर है कम है, ये आपकी परीक्षा का पैटर्न है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्लियर। एक और महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी लोगों के लिए जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने एडमिशन ले लिया है, लगभग 2000 लोग हमारे यहां एडमिशन ले चुके हैं, क्लियर है। अब हमारी बारी है आपको पेड क्लासेस शुरू करने की, तो देखिए जो एडमिशन ले चुके हैं मेरी उनसे गुजारिश है, हमारे तैयारियों को करने में आपको जोड़ने में कुछ समय लगता है, हमारी टेक्निकल टीम पूरी तैयारियां कर रही है और पूरी तैयारियों के साथ 2 से 3 दिनों में आपको लाइव पेड क्लासेस देनी शुरू हो जाएंगी। 2 से 3 दिनों में लाइव पेड क्लासेस का पूरा शेड्यूल आपको जोड़ के आपको भेज दिया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जो लोग अभी भी ये कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें एडमिशन लेना है, तो 1 और 2 आज कल भर के उनके पास
पास और मौके हैं, इसलिए क्योंकि आप एक बार लेट हो गए तब भी आप हमारे यहां एडमिशन लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुरू से पहले दिन से बैच में पढ़ना अलग बात होती है। बासी वीडियो क्यों लें, जब एडमिशन लेना है तो तुरंत लें और ताजी वीडियो लें, लाइव क्लास पढ़ें, आपको ज्यादा मजा आएगा, नुकसान नहीं होगा आपका। आजकल में आप और जबरदस्त तरीके से अपने एडमिशन को सुरक्षित कराइए। अभी हम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग आए। 911 है ना, 860-860-6677, इस नंबर पर आपको केवल एनटीपीसी इंट्री लिख के भेजना है, एनटीपीसी इंट्री, और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। या डिस्क्रिप्शन में जो 8 नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पर कॉल करके आप अपने एडमिशन की प्रक्रिया के लिए बात कर सकते हैं, प्रोसेस पर बात कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा नंबर है 911-860-6677। जो लोग जुड़ गए हैं, एंट्री लिख के भेज दिए हैं, उन 2000 लोगों के लिए साधुवाद, लगभग 2000 हैं, साधुवाद। जल्दी मैं आपकी पेड क्लासेस को शुरू करने चल रहा हूं, ठीक है? और ये आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, सोच समझ के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है? टारगेट भी था आलोक चैनल, आलोक सर के निर्देशन में पूरी तरह प्रतिबद्ध है, कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, विश्वस्त रखिए। जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। इस नंबर पर आज और कल आप एडमिशन सुरक्षित कर सकते हैं और रीएडमिशन रीओपन है आपके एडमिशन। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, शाम को लगातार क्लासेज हमारी चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जब बैच शुरू होगा आपको सारी क्लासेज बिल्कुल शुरू से दी जाएंगी। केवल 1.5 महीने में मैं आपको पूरी तैयारी करा दूंगा, तैयारी, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डाउट क्लास, तैयारी, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डाउट क्लास, यही हमारा पूरा प्रक्रिया है। 0 डिग्री का कोण कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और जो बैच हमारे यहां चल रहे हैं उन लोगों के लोग जरूर कमेंट करें, ताकि लोग निर्णय लेने में क्या करें, आसानी हो लोगों को निर्णय लेने में, बढ़िया रहे लोगों को निर्णय लेने में, ठीक है? तो 0 डिग्री आज आपका सॉल्व हुआ, कैसा लगा 0 डिग्री जरूर बताइएगा, यही आपका इंतजार कर रहे हैं। टारगेट ब्रथ आलोक चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जो लेना चाह रहे हैं आजकल में ले लें, एडमिशन लाइंस खुली है, आपका वेलकम है, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू सो मच।